ये जो सामने आपको जो क्रेडिट लिमिट दिख रही है, मोबीक्विक की जो क्रेडिट लिमिट दिख रही है, इसको बैंक में ट्रांसफर करना है। इस वीडियो को बस पूरा आप जो है देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कि कैसे मोबीक्विक जिप लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैंने जो मोबीक्विक एप्लीकेशन को जो पूरा का पूरा ओपन करना है, ठीक है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3,000 रुपये का जो है लिमिट है, जो कि मैंने अभी अभी अप्लाई किया है, बैंक में पैसे ट्रांसफर पर नहीं किया, जो है ट्रांसफर भी नहीं किया दोस्तों, ठीक है। प्रूफ के लिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि मैंने किया नहीं किया। यहाँ पर देखिए जिप का ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर ये देखिए जिप की 3,000 रुपये की लिमिट है। थोड़ा सा ऊपर अगर मैं लूँगा यहाँ पर इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी जो है ये दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर मैंने जो लिमिट को यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चलेगा यहाँ पर मैंने जो जिप लिमिट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया दोस्तों, ठीक है। अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो इसको जो है आप ऑफ़ कर सकते हैं, अब जो है कभी भी इसका जो यूज़ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अगर यहाँ से आप जो है इसको ऑन कर लेंगे ना, तो आप जो है इस लिमिट को फिर यूज़ कर पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर, मैंने कहा कि यहाँ पर जो है बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला तरीका है सर्च पर जाना है, ठीक है। सर्च पर जाने के बाद में यहाँ सर्च करना है, यहाँ पर ये देखिए रेंट, ये देखिए रेंट पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके, ये देखिए यहाँ पर ये ऐड पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देना है। इसके बाद में जैसे आपका ऐसा आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लिया, इसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू, इसके बाद में आपको जितना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो, इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो चार्ज लगा है वो देखना है, यहाँ पर कितना चार्ज लग रहा है। इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है जिप लिमिट का, तो आपको दूसरा तरीके मैं आपको बता दूँ। देख पहले में अगर यहाँ पर जिप लिमिट का आया तो यहाँ पर आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर नहीं हुआ तो दूसरा तरीका मैं आपको आप बताता हूँ कि आपको कैसे ट्रांसफर करना है जिप लिमिट को, ठीक है। तो दूसरा तरीका कैसे अपनाना है, यहाँ पर देखिए स्कैन का ऑप्शन है, और ये स्कैन आपको जो मर्चेंट के अकाउंट पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। यानी जो है जैसे स्कैन पर आप क्लिक करेंगे ना, तो फोनपे गूगल पे इस पर आपको जो है स्कैन नहीं करना है, मर्चेंट जो भी आपको जो है मर्चेंट अकाउंट है उसके QR कोड पर करना है, जब भी आपको जो है लिमिट का ऑप्शन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए मर्चेंट का जो है इस तरीके से है, यहाँ पर देखिए ऐसे स्कैन कर लेना है, ठीक है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, यहाँ पर ये देखिए स्कैनिंग तो हो रहा है लेकिन मेरा नेट स्लो चल रहा है, तो अभी हो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको हुआ तो इसे कर लेना। तो तीसरा तरीका मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा तरीका यहाँ पर ये देखिए आपको, तो आपके इस पर क्लिक करना है नाम पर, इस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा ऊपर लेना है। ऊपर लेने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाएंगे अकाउंट का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए ट्रांसफर मनी इनटू योर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखा दे रहा है, यहाँ पर लिमिट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जो है तरीका बहुत कम जो है यूज़ होता है, तो ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट पर, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है यहाँ पर बैंक अकाउंट दे देना, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफर टू न्यू अकाउंट पर क्लिक करके आपका बैंक अकाउंट दे देना, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में अमाउंट टाइप करना जो जितना आपको ट्रांसफर करना है, यहाँ पर फीस आ जाएंगे, यहाँ पर कितना आपको जो है बैंक ट्रांसफर पर जो है पैसे लगेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस पर जो है क्लिक करने के बाद आपको फिर पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी आप देख लेना कि यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है या नहीं यहाँ पर जिप का, ठीक है। मेरे केस के अंदर अभी नहीं दे रहा यहाँ पर, क्योंकि मेरा न्यू अकाउंट है, इसीलिए यहाँ पर शायद हो सकता है नहीं दे रहा था, ठीक है। तो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया। अब चौथा तरीका एकदम खास तरीका है, उसको जो है कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप जो है ध्यान से ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। चौथा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, सिंपल सा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दूंगा, इस लिंक पर क्लिक करके सिंपल से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक। अब फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, जो है वीडियो जो है पूरा जो है पूरा डेडिकेटेड वीडियो है उसका जो है लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को पूरा देख लेना। और फिर ये जो जो है चौथा तरीका है उसको जो पूरा देख लेना, आपके 100% जो है जिप लिमिट के पैसे अपने बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बड़ा ही आसान तरीका है, ज़रूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर कुछ पूछना है तो फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप जो है यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपकी हेल्प पूरी करने की जो है मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू वीडियो से अपने ट्रिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।